ये है मेरी नेपाल सीरीज की 9th वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अति प्राचीन मंदिर। स्वागत है दोस्तों आपका और एक नई वीडियो में। और अभी मैं हूँ काठमांडू में और आप लोग देख सकते काठमांडू का रोड वगैरह। और एक दिन मतलब कल मैंने तो पूरा रेस्ट किया क्योंकि ऐसे ही सोचा बहुत दिन है काठमांडू घूमने के लिए, तो एक दिन पूरा रेस्ट में चला जाए। और ये है मेरा काठमांडू का दूसरा दिन। और ऐसे ही कहाँ पे जा रहे हैं हम? हेलो, कहाँ पे जा रहे हैं? हनुमान मंदिर। ओके, अभी तो हम जा रहे हैं हनुमान टेम्पल। दोस्त को पता था तो वो बोला कि मैं आपको लेके चलता हूँ हनुमान टेम्पल। और पशुपतिनाथ भी आज ही जाएंगे। ओके, तो ये हनुमान टेम्पल होने के बाद अगला पशुपतिनाथ का भी इसी वीडियो में मैं ऐड करने वाला हूँ एक ही दिन में। इसके बाद सीधा पशुपतिनाथ ही टेम्पल जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ के रोड। और यहाँ पे भी आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे भी सब लोग हेलमेट पहन ही रहे। मतलब मैंने अभी एक भी लोग नहीं देखा कि उसने हेलमेट नहीं लगाया उस हेड पर। और रोड भी बहुत क्लीन है। तो अभी मैं इस टेम्पल के अंदर आया हूँ और अंदर से ये हनुमान टेम्पल है। और उसके ठीक सामने उस जगह पे आपको गणेश जी का टेम्पल मिल जाएगा। इस टेम्पल को देखकर ये लगता है कि दोनों टेम्पल बहुत पुराने हैं। मतलब टेम्पल जब से बने ना तब से इस टेम्पल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, बहुत पुराने टेम्पल है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। और मैं आपको, ये तो है हनुमान जी का टेम्पल और वहाँ जाकर उस साइड जाकर मैं आपको दिखाता हूँ गणेश जी का टेम्पल। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इस मंदिर का डिज़ाइन बहुत प्राचीन है। और जो भी आप यहाँ पे जो कुछ देख रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये जो डिज़ाइन किया हुआ है ना, वो मतलब जब से बना हुआ है ना उस वैसा का वैसा ही है। मतलब इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टेम्पल है ना वो कुछ दिनों के बाद ऐसे उस पर कुछ लग जाता है, तो वो तोड़कर थोड़ा उसमें डिज़ाइन और अट्रैक्टिव करने के लिए ऊपर से कुछ परत लगाई जाती है। लेकिन इस टेम्पल में आपको कहाँ पे भी ऐसा दिखाई नहीं देगा, जो पहले से है वो ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा गणेश जी का टेम्पल।